हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलू की सावजी रसोई। आज हम एक इंस्टेंट नाश्ता बनाने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा, जिसमें हम वेजिटेबल्स भी डालेंगे और एकदम कम तेल में बनेगा और सबको बहुत पसंद भी आएगा। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएगा और इसको बनाने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलो बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हुए है एक कटोरी पोहा। ये मोटा पोहा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, आप चाहे तो पतला पोहा भी इसमें यूज कर सकते हो। अभी ये पोहे को मैं 2-3 पानी से अच्छे से धो लेती हूँ। देखो, मैंने पोहे को धो के ला लिया है। अभी मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी मिक्सी के जार में। क्या हमें इसे बारीक करना है। इसमें डाल दिया मैंने पोहा। अब इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी ये मटर। ये मटर मैंने 2 मिनट उबाल लिए थे, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। उसके साथ ही इसमें डाल रही हूँ मैं एक कटोरी सूजी और 2 अदरक के टुकड़े, 3-4 हरी मिर्च जो मैं तोड़ के इसमें डाल रही हूँ। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो हरी मिर्च कम भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही अब इसमें डाल रही हूँ मैं 3 चम्मच दही। तो यहाँ पे मैंने ये खट्टा दही यूज़ किया हुआ है, इससे इसकी टेस्ट अच्छी आती है। इसके साथ ही इसमें डाल रही हूँ मैं 1.5 कटोरी पानी, क्योंकि हमें इसकी पेस्ट बनानी है तो इसमें पानी भी लगेगा। ये पानी भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको पीस के ला लेती हूँ। ये देखो, ये पीस के मैंने ला लिया है, एकदम फाइन ऐसे पेस्ट तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ मिक्सिंग बाउल में। एकदम ही टेस्टी लगता है ये नाश्ता, सबको बहुत पसंद आता है। तो ये निकाल लिया है मैंने मिक्सिंग बाउल में। अभी हम इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखो, ये थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है क्योंकि सूजी थी इसमें जो फूल चुकी होंगी। अब हम इसको बनाते हैं थोड़ा हेल्दी, तो इसके लिए इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले डाल रही हूँ एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक बारीक किसा हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ धनिया। उसके साथ ही मैं इसमें मिलाऊंगी एक बारीक कटा हुआ टमाटर। अब हम इसमें डालते हैं मसाले। तो सबसे पहले डाला मैंने रेड चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, स्वादानुसार नमक। और इसको और चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच चाट पाउडर और 1 चम्मच तिल। अब मैं ये सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि पूरे इंग्रेडिएंट एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसे इसको चम्मच से पूरे इंग्रेडिएंट को मैं अभी मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी लगता है ये नाश्ता, सबको बहुत पसंद आएगा। ये पूरा मैंने इंग्रेडिएंट एक साथ मिक्स कर लिया है। ये थोड़ा गाढ़ा है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। यहाँ पे 2 छोटे चम्मच पानी मैंने डाला है और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसको थोड़ा सा पतला करना था इसलिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब ये परफेक्ट ऐसे बैटर तैयार हो चुका है। अभी हमें इसे पकाना है। तो पकाने से पहले मैं इसमें डाल दूंगी 1 पैकेट इनो। 1 पैकेट इनो मैंने इसमें डाल दिया है। इसको एक्टिवेट करने के लिए इसमें पानी डालकर इसको धीरे धीरे हाथ से पूरे इनो को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि वो इनो भी पूरे मिश्रण में अच्छे से मिक्स हो जाए। और एकदम धीरे हाथ से करना है और थोड़ा सा मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करना है। ये देखो, ये मिक्स हो चुका है। चलो अभी इसे पकाते हैं। तो उसके लिए मैंने गैस पर एक अप्पे का पैन रख दिया है और पूरे पैन में मैं थोड़ा थोड़ा तेल डाल देती हूँ। ये देखो, ये पूरा पैन में मैंने तेल डाल दिया है। अभी ये मिश्रण इसमें 1-1 चम्मच में डाल दूंगी।
तो आज हम बना रहे हैं पोहे और सूजी के अप्पे, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखो, ये मिश्रण में अभी एक एक चम्मच पूरे पैन में डाल देती हूँ। देखो, मैंने पूरे पैन में एक एक चम्मच मिश्रण डाल दिया है। अभी मैं इसको ढककर 7-8 मिनट तक इस एकदम धीमी आंच पर इसको पकाऊंगी। 7-8 मिनट तक के ये नीचे से अच्छे से पक जाते हैं। अब मैं इसको पलटा देती हूँ। ऐसे ही पूरे अप्पे को मैं अभी पलटा दूंगी ताकि वो दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक जाए और अंदर से भी पक जाए। इसको अभी मैं पूरे अप्पे को पलटा कर दोनों तरफ से पकने दूंगी। ये देखो, यहाँ पे मैंने पूरे अप्पे पलटा दिए हैं। अभी मैं इसको ढककर फिर से 2 मिनट के लिए पकने देती हूँ, तो ये नीचे से भी अच्छे से पक जाएंगे। ये देखो, ये अप्पे अच्छे से पक चुके हैं, दोनों तरफ से अच्छे से अप्पे पक चुके हैं। अब मैं पूरे अप्पे निकाल लेती हूँ। तो ये बन गया हमारा आज का इंस्टेंट नाश्ता। ये बना हुआ है पोहे और सूजी से, और इसमें वेजिटेबल्स भी है, मतलब हेल्दी भी है। ये देखो, ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी बना हुआ है और अंदर से वो उतना ही सॉफ्ट है, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसमें मटर के दाने भी है, जो बच्चे खाने के लिए नहीं देखते, और गाजर है। आप जो भी वेजिटेबल्स चाहे इसमें डाल सकते हो और इसको और हेल्दी बना सकते हो। तो आप भी इस डिश को एक बार ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।